ओके तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पैरामीशियम का मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया है और फिजियोलॉजी को स्टडी कर लिया है। अब हम आज पढ़ेंगे पैरामीशियम की रिप्रोडक्शन। ठीक है भाई, अभी तक हम लोग पैरामीशियम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी फिजियोलॉजी यानी कि उसका लोकोमोशन पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ पढ़ चुके हैं उसका न्यूट्रिशन, मींस किस तरीके से न्यूट्रिशन करता है और किस तरीके से लोकोमोशन करता है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है इस एनिमल की टाइप स्टडी का, वो है रिप्रोडक्शन। जैसे हमने इगुलिना में रिप्रोडक्शन पढ़ा था, वैसे ही हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे किसके केस में, पैरामीशियम के केस में। बहुत कम लोग हैं आज, केवल 17 लोग ही आज क्लास में हैं। हो सकता है टाइम चेंज हुआ हो इस वजह से, मे बी, लेकिन मैंने तो आप लोगों को बहुत पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। खैर, तो रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ते हैं, जैसे हमने इग्लिना में पढ़ा था, वैसे ही सेम जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसके बारे में, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरीके का हो रहा है। यहाँ पर भी जैसे कि इग्लिना में हो रहा था, इग्लिना में केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पढ़ा था हमने, और यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो दो तरीके का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है भाई, तो जब हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं पैरामीशियम में, तो जैसे हमने पढ़ा था कहां इग्लिना के केस में कि वहां पर ए सेक्सुअल दो तरीके का था, एक बाइनरी फ्यूजन कर रहा था और दूसरा कर रहा था, क्या कर रहा था दूसरा भाई इग्लिना, एक में बाइनरी फ्यूजन हुआ था और दूसरा हुआ था मल्टीपल फ्यूजन। यहां पर क्या है, यहां पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो केवल एक ही तरीके का है और वो है बाइनरी फिशन। बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो होगा किसमें, पैरामीशियम में भी, लेकिन यहां पर फर्क क्या है, यहां पर जो फर्क है, वहां पर जब पढ़ा था इग्लिना को तो इग्लिना लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड हुआ था, यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन नहीं होगा। यहां पर जो बाइनरी फिजन है यहां पर हॉरिजॉन्टल एनोटेशन मत करिए भाई स्लाइड पे, तो यहां पर इगुलिना के केस में और पैरामीशियम के केस में जो बेसिक डिफरेंस है वो दो बेसिक डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या है, वहां पर चूंकि इगुलिना के केस में सिंगल न्यूक्लियस था, यहां पर हमने बताया आपको को दो तरीके के न्यूक्लियाई हैं, यहां पर एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है और एक मेगा न्यूक्लियस होता है, माइक्रो एंड मेगा, तो दो तरीके के न्यूक्लियस होने की वजह से बाइनरी फिजन में थोड़ा सा फर्क आता है, किसमें, इगुलिना के केस में और पैरामीशियम के केस में। अब देखिए होता क्या है, पहली खास बात कि जो बाइनरी फिजन है वो फेवरेबल कंडीशन में होगा, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पैरामीशियम करेगा तो कंडीशन कैसी होनी चाहिए, उसके फेवर में होनी चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है कि सबसे पहले जो पैरामीशियम है वो फीडिंग को स्टार्ट करेगा, इसका डीएनए रेप्लिकेट करेगा, उसके आगे क्या होगा, ओरल ग्रुप डिसअपीयर हो जाएगा,
ओरल ग्रुप क्या हो जाएगा, डिसएपियर हो जाएगा। फिर देखिए माइक्रो न्यूक्लियस यानी कि जो साइज में छोटा न्यूक्लियस है उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, और जो मेगा न्यूक्लियस या मैक्रो न्यूक्लियस है वो उसमें ए माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, देखिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखा रहा हूं, तब बात आपको क्लियर होगी कि आखिर बाइनरी फिजन कैसे होता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आपको, ये एक पैरामीशियम है। इस पैरामीशियम में दो तरीके के न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं। देखिए एक साइज में बड़ा है जो बीन के शेप का है, एक राउंड है स्मॉल है। जो राउंड है वो माइक्रो न्यूक्लियस है, और जो बीन के शेप का है वो मैक्रो या मेगा न्यूक्लियस है, राइट। अब अभी मैंने बोला आपको कि माइक्रो न्यूक्लियस में जो डिवीजन होता है वो कैसा होगा, उसमें माइटोसिस होगी, जबकि जो मैक्रो न्यूक्लियस है उसमें क्या होगा, वो अमाइटोसिस। ठीक है, ये तो हुआ डिवीजन किसमें, न्यूक्लियस में। पहला स्टेप क्या होता है कि जब ये बाइनरी फिजन में जाता है, व्हेन द पैरामीशिया अंडरगोज द बाइनरी फिजन, फर्स्ट ऑफ ऑल ओरल ग्रुप डिसअपीयर। जो ओरल ग्रुप का जो हिस्सा होता है, देखिए यहां पर ओरल ग्रुप होता है बना हुआ, देखा होगा आपने जब पैरामीशियम का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, तो जब ओरल ग्रुप का हिस्सा होता है यानी कि जिसे सेल माउथ बोला गया था, वो हिस्सा क्या हो जाता है, डिसअपीयर होने लगता है। न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस यानी कि जो छोटा था उसमें माइटोसिस होने लगती है, और स्मॉल वाले में ए माइटोसिस सेल डिवीजन होने लगेगा। देखिए ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे क्या होगा कि जो दोनों न्यूक्लियस थे यानी कि स्मॉल और लार्ज यानी कि माइक्रो एंड मैक्रो, दोनों में डिवीजन हो जाता है, और दोनों एक एक यानी कि एक से दो बने, माइक्रो से यानी कि एक माइक्रो से दो माइक्रो बने, और एक माइक्रो से दो मैक्रो बन गए, यानी कुल मिलाकर चार बन गए हमारे पास। चार में दो क्या है, माइक्रो है, और दो क्या है, मैक्रो है, यानी कि दो स्मॉल न्यूक्लियस बन गए और दो लार्ज न्यूक्लियस बने। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल थी, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी डिवाइड हो जाती है, ओरल ग्रुप का फॉर्मेशन होने लगता है नए तरीके से, और बिल्कुल सेंटर ऑफ द एनिमल, एनिमल के सेंटर से एक सेल प्लेट बनती है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है, जिससे क्या हो रहा है, देखिए यहां से एक ये हिस्सा बनना है और एक ये हिस्सा बनना है, और फाइनली दो डॉटर पैरामीशिया बन जाते हैं। तो सो सिंपल, बाइनरी फिजन का मतलब यही है कि एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम बनेंगे। युगलीना में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ, पैरामीशियम में हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगा, फर्क इतना है। वहां पर सिंगल न्यूक्लियस डिवीजन में गया था, यहाँ पे दो न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियस क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, और डिवाइड कैसे हो रहे हैं, जो स्मॉल न्यूक्लियस है यानी कि जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो जब डिवीजन में जा रहा है तो उसमें माइटोसिस हो रही है, और दो माइक्रो न्यूक्लियस बन जा रहे हैं। मैक्रो न्यूक्लियस भी डिवीजन में जाएगा, वहां पर अमाइटोसिस हो रही है, उससे भी क्या हो रहे हैं, दो न्यूक्लियस बन जा रहे हैं। तो अब हमारे पास टोटल जो दो थे, देखिए ये पेरेंट था, इस पेरेंट में दो न्यूक्लियस थे, एक माइक्रो और एक मैक्रो, और जैसे ही ये यहां इस कंडीशन में पहुंचा, यहां पर 1, 2, 3 और 4 यानी कि 2 मैक्रो एंड 2 माइक्रो। ठीक है, यहां पर सिंगल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल थी, यहां पर देखिए दो एक नई कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बनने लगी, न्यू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। जो ओरल ग्रुप डिसअपीयर हुआ था वो ओरल ग्रुप दोबारा से बनने लगे, और फाइनली यहां पे आकर बन गए। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टली पैरामीशियम क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम बन जाते हैं। ये होता है बाइनरी फिजन, किसमें, पैरामीशियम में। कोई खास बात नहीं है इस पैरामीशियम के बाइनरी फिजन में, बेहद आसान है, युगलीना की तरह है, बस वहां पे लॉन्गिट्यूडनल था, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, इतना सा फर्क है किसमें, युगलीना में और पैरामीशियम में। लेकिन जो सबसे अब इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आएगा यानी कि जो आपको बहुत ध्यान से समझना है, वो होगा इसका
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक बहुत लंबी प्रोसेस है, और लगभग इसमें 14 यानी कि 14 स्टेप्स आते हैं। 14 स्टेप्स में पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है, और अक्सर एग्जाम में कॉन्जुगेशन आइदर इन शॉर्ट नोट आइदर इन लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको कॉन्जुगेशन बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, एक एक पॉइंट। पहले मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, उसके बाद हम उसकी थ्योरी पे आएंगे। अगर आपने डायग्राम के स्टेप्स को समझ लिया ठीक, तब आप कॉन्जुगेशन को बेहद आसान तरीके से लिख पाएंगे, समझ में आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, तो मैं बजाय इस स्लाइड पे जाने के दो बातें अच्छा बता देता हूं पहले आपको, तब मैं डायग्राम पे जाऊंगा। कि अभी हमने कहा था कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो फेवरेबल कंडीशन में होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पैरामीशियम में कब होगा, जब पैरामीशियम अनफेवरेबल कंडीशन होंगी, मतलब भोजन यानी कि जो फूड है वो बहुत ना के बराबर होगा, उसको मिलेगा जो फूड वो बहुत ना के बराबर मिलेगा, इस वजह से क्या होगा वो कंडीशन कहलाती है अनफेवरेबल कंडीशन, या उसे हम बोलते हैं स्टारवेशन, यानी कि स्टारवेशन करके लिखा हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पैरामीशिया टेक्स प्लेस अंडर कंडीशंस ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब भूखा रहना, जिस समय फूड की अवेलेबिलिटी बहुत कम है उस समय क्या होता है, अगर रिप्रोडक्शन होगा तो वो जो रिप्रोडक्शन होगा वो कहलाएगा कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते क्या है, देखिए एक टर्म दिया हुआ है कॉन्जुगेशन, तो ये जो कॉन्जुगेशन लिखा हुआ है इस कॉन्जुगेशन को ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। तो दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। पहला क्वेश्चन क्या होगा कि या तो वो पूछ सकता है क्या, या वो आपसे पूछ लेगा क्या भाई कि कॉन्जुगेशन बताइए पैरामीशियम में, ठीक है। और कॉन्जुगेशन अगर नहीं पूछ रहा है तो वो पूछ लेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोनों सेम, कोई जो है वो फर्क नहीं है दोनों में, दोनों एक ही बातें हैं कि या तो हम उसे कॉन्जुगेशन बोल दें या हम उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल दें, ठीक है भाई। तो मैंने बताया था अभी 14th स्टेप्स होते हैं, 14 स्टेप्स होते हैं, उन 14 स्टेप्स में कॉन्जुगेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब वो 14 स्टेप्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको पहले डायग्राम, देखिए ये डायग्राम को समझने की कोशिश करिए, पहले यहां से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस और जे पे आकर खत्म होगा, ठीक है। ए से स्टार्ट हो रहा है, जे पे आके खत्म हो रहा है। देखिए यहां पे ये दो पैरामीशियम है, दोनों को अलग अलग कलर से बनाया गया है, एक लाइट स्काई ब्लू है और एक लाइट पिंक कलर है। अब लाइट स्काई ब्लू और लाइट पिंक कलर हमने यानी कि दो पैरामीशियम जो ले लिए, तो होता क्या है, हमने ये मान लिया कि जो ये पैरामीशियम लिए हैं दीज आर द अपोजिट स्ट्रेन पैरामीशिया, दो अपोजिट स्ट्रेन के पैरामीशिया है। फॉर एग्जाम्पल अपोजिट स्ट्रेन से आप यहां पर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे कि एक को हम प्लस स्ट्रेन मान ले रहे हैं, एक को हम नेगेटिव स्ट्रेन मान ले रहे हैं, यानी कि एक को हम मेल मान ले रहे हैं, मेल वर्जन है, और एक क्या है उसका फीमेल वर्जन है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बेसिकली पैरामीशिया तो एक ही टाइप का ही है, लेकिन दो मान लिए हमने, दो अपोजिट स्ट्रेन के पैरामीशिया हमको यहां दिख रहे हैं, और इन ये जो पैरामीशिया है जो अपोजिट स्ट्रेन के होते हैं, इन पैरामीशिया को हम बोलते हैं कॉन्जुएंट्स। तो पहला टर्म आपको पता रखना चाहिए, याद रहना चाहिए कि जो दो अपोजिट स्ट्रेन के पैरामीशिया हैं इनको हम टर्म क्या दे रहे हैं, कॉन्जुगेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप है यानी कि स्टेप ए, ठीक है भाई, देखिए यहां पर दिख रहा होगा आपको स्टेप ए दिख रहा होगा,
देखिए ये दिख रहा है स्टेप पे, यहां पर ए में क्या हो रहा है, देखिए दो जो पैरामीशियम थे ये दोनों पैरामीशियम क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, किस साइड से, जिस साइड में क्या होता है, जिस साइड में ओरल ग्रुप है उस साइड में क्या हुआ, ये दोनों के दोनों पैरामीशियम क्या हो जाते हैं, पार्शियली फ्यूज, यानी कि दो कॉन्जुगेंट्स थे ये दोनों पास पास आते हैं और पास पास आने के बाद क्या हो जाता है, इनका पार्शियली फ्यूजन हो जाता है, किस साइड से, जिस साइड पर ओरल ग्रूव है। तो दो बातें सुनिए, पहले पहला पॉइंट क्या हुआ कि दो पैरामीशियम थे जिनको हमने कॉन्जुगेंट्स बोला, वो दोनों कॉन्जुगेंट्स क्या आते हैं, एक दूसरे के पास पास आते हैं, फ्यूज कर जाते हैं पार्शियली, और जो फ्यूजन हो रहा है वो हो रहा है किस साइड से, उनके ओरल ग्रुप के साइड से, ठीक है। और जिस समय ये फ्यूज करते हैं उस समय दोनों के जो न्यूक्लियाई हैं, यानी कि जो माइक्रो न्यूक्लियस हैं, ये कैसे हैं, देखिए लिखा हुआ है 2N, यानी कि डिप्लॉइड कंडीशन में है, ठीक है भाई। जब डिप्लॉइड कंडीशन हुई, अब ये जो माइक्रो न्यूक्लियस था, इस माइक्रो न्यूक्लियस में क्या हुआ, डिवीजन हुआ, ठीक लिखा हुआ, देखिए मियोसिस ऑफ माइक्रो न्यूक्लियाई प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियाई इन ईच सेल, राइट। मतलब क्या हुआ कि जो ये माइक्रो न्यूक्लियस था, ये इसमें क्या होता है, मियोसिस हो जाती है। अब आपको माइटोसिस और मियोसिस का फर्क भी पता होना चाहिए। अभी हमने जब बाइनरी फ्यूजन पढ़ा था तो पढ़ा वहां पे कि वहां पर माइक्रो न्यूक्लियस में हो रही थी क्या, माइटोसिस, यहां पर क्या हो रही है, मियोसिस। माइटोसिस में एक न्यूक्लियस से डिवीजन के बाद दो न्यूक्लियाई बनती हैं, यानी कि दो डॉटर न्यूक्लियाई बनती हैं, और वो कैसी होती हैं, वो डिप्लॉयड होती हैं। यहां पर फर्क क्या है कि जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, जब उसमें मियोसिस होगी तो एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस से चार हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बन जाती है। तो मियोसिस और माइटोसिस में फर्क, माइटोसिस में क्या हुआ कि एक जो न्यूक्लियस था वो बना रहा है दो न्यूक्लियस को, लेकिन सेम है, अगर पेरेंट डिप्लॉयड है तो डॉटर भी कैसी है, डिप्लॉयड है। यहां फर्क क्या है, यहां पे पेरेंट तो डिप्लॉयड है, एक है, और एक से कितने बनेंगे, चार, और चार कैसे होंगे, हैप्लॉयड। देखिए इस डायग्राम में यहां पर आपको ग्रीन कलर का एक न्यूक्लियस दिख रहा है माइक्रो, यहां पर आपको एक रेड कलर का दिख रहा है, राइट। अब इस ग्रीन वाले में डिवीजन हो रहा है और रेड वाले में भी डिवीजन हो रहा है, कौन सा हो रहा है, मियोसिस हो रही है, और जब मियोसिस हुई तो इस एक से कितने बन गए, 1, 2, 3 एंड 4, इस रेड से कितने बन गए, 1, 2 एंड 3, 4, यानी कि चार चार क्या बन गया, देखिए लिखा हुआ है हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ये हुआ स्टेप नंबर नेक्स्ट, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई, अब इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि जो चार चार हैप्लॉइड बने, क्या माइक्रो, मेगा में कोई चेंज नहीं हुआ है बड़े वाले में, देखिए केवल जो स्मॉल न्यूक्लियस है उसमें डिवीजन हो रहा है, मियोसिस हो रही है, और एक से कितने बन गए हैं, चार और चार। अब नेक्स्ट जो स्टेप आया, उन चार में से क्या हो जाते हैं, ईच पैरामीशियम में जो चार हैप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियस बने थे, इनमें से तीन क्या हो गए, डीजनरेट, यानी कि समाप्त हो गए। एक डिप्लॉयड था, चार हैप्लॉयड बन गए, चार में से तीन समाप्त हो गए, फिर से क्या बचा, देखिए यहां पे एक और एक, लेकिन अब फर्क क्या है, यहां पर जो एक था वो डिप्लॉयड था, यहां पर जो एक है वो कैसा है, हैप्लॉयड है, राइट। तो अब हमारे पास क्या हुआ, हैप्लॉइड बचा। अब जो ये हैप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियस है, दोनों पैरामीशियम में, माना ये पैरामीशियम ए है और ये पैरामीशियम बी है, ये जो हैप्लॉइड था ये इसमें क्या हो गई, माइटोसिस हो गई। जब माइटोसिस हो गई तो देखिए फिर दो बन गए यहां पर, लेकिन अब दो कैसे, हालांकि माइटोसिस में हो रहा था क्या, माइटोसिस में जैसा न्यूक्लियस होता है वैसा ही बन जाता है,
हैप्लॉइड था यहां पर हैप्लॉइड बन जाएगा, बाइनरी फ्यूजन में डिप्लॉइड था डिप्लॉइड बन गया। ठीक है भाई, देखिए हुआ। अब इसके बाद क्या होता है, जब दो हमारे पास हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गए तो क्या हो जाता है कि थोड़े समय के लिए एक एक न्यूक्लियस दोनों का साइड में थोड़ा सा बड़ा हो गया। जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस बने, यानी कि ये दो, ये बने दो रेड हैं दो ग्रीन है, इनमें से यहां पर ये दिखाया नहीं गया स्टेप इस डायग्राम में। बेसिकली होता क्या है कि ये जो एक न्यूक्लियस है और यहां पर एक न्यूक्लियस है, ये साइज में थोड़े से बड़े हो जाते हैं। मतलब ये हुआ कि जो दो हैप्लॉइड है इनमें से एक हैप्लॉइड बड़ा हो जाता है साइज में और एक छोटा रह जाता है। ठीक है भाई। और जब जो स्मॉल में छोटा है साइज में, सॉरी, और एक साइज में जो बड़ा है, तो जो बड़ा है उसे हम बोलते हैं स्टेशनरी और जो छोटा है उसे बोलते हैं माइग्रेटरी। बड़े वाले को हमने क्या बोल दिया, स्टेशनरी, छोटे वाले को बोल दिया हमने माइग्रेटरी। ठीक है, यहां तक आप समझिए, दोबारा समझाता हूं। देखिए मैं आपको, दो पैरामीशियम, राइट, अपोजिट स्ट्रेन के पास पास आए, दोनों में एक माइक्रो था और एक मैक्रो था। जब ये पैरामीशियम पास पास आते हैं इनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेंट्स। ओरल ग्रुप बन जाता है, ओरल ग्रुप वाले पोर्शन से ये आपस में मेट कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बन जाता है, पुल, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बोलते हैं। दोनों का माइक्रो न्यूक्लियस जो कि डिप्लॉइड था सॉरी, उसमें क्या होगा, देखिए यहां लिखा हुआ है मियोसिस, ये मियोसिस हो गई। ठीक है, इस मियोसिस की वजह से क्या हो गया, चार हैप्लॉइड क्या बन गया भाई, देखिए माइक्रो न्यूक्लियस एक पैरामीशियम में, चार हैप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियस दूसरे पैरामीशियम में क्या हो गए, बन गए, राइट। अब जो ये माइक्रो न्यूक्लियस बने, इन माइक्रो में से चार में से तीन देखिए यहां पे समाप्त हो गए, डीजनरेट हो गए, और तीन इसमें से भी समाप्त हो गए, यानी कि दोबारा से सिंगल सिंगल माइक्रो न्यूक्लियस बचा। लेकिन अब फर्क क्या था कि यहां पर ये डिप्लॉइड था माइक्रो, यहां पर हैप्लॉइड हो गया है। ठीक है, इस हैप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियस में दोबारा से माइटोसिस हो जाती है और दो दो माइक्रो न्यूक्लियस बन जाते हैं, जो होते हैं कैसे, हैप्लॉइड। ओके, और इस हैप्लॉइड के बाद क्या हुआ, एक साइज में थोड़ा बड़ा रहे हो जाता है, दोनों में से एक एक क्या हो गया, थोड़े साइज में बड़े हो जाते हैं, और जो साइज में बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं क्या, स्टेशनरी न्यूक्लियस, और जो साइज में स्मॉल होता है उससे हम बोलते हैं क्या, माइग्रेटरी न्यूक्लियस। ठीक है भाई, तो मैंने आपको स्टेप डी तक क्लियर करा, एक दो तीन चार स्टेप इससे क्लियर हुए। अब मैं स्क्रीन को स्टॉप करता हूं और हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे बाइनरी फिजन पर। बाइनरी फिजन समझ में आ गया होगा आपके, हम डिस्कस कर रहे हैं किस पर, अब करेंगे थोड़ा सा कंजुगेशन के ऊपर कि आखिर कंजुगेशन में क्या क्या होता है, सबसे पहले स्टेप्स पे। ठीक है भाई, आंचल राठौर माइक अनम्यूट करो अपना। चलो मैंने परमिशन दे दी अब। यस सर। हाँ, तो सबसे पहला स्टेप बताओ कंजुगेशन में क्या होता है। सर सबसे पहले दो अलग स्ट्रेन के पैरामीशिया होती है जिनको सर हम लोग कॉन्जुगेंट बोलते हैं। सर आफ्टर दैट सर दे कम क्लोज टू ईच अदर एंड मीटिंग 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 ठीक ठीक राइट गुड शाबाश। नेक्स्ट वन अंकिता ठाकुर। अंकिता अनम्यूट करो अपना। यस सर।
आंचल ने बताया पहला स्टेप हुआ कि दो अपोजिट स्ट्रेन के पैरामीशियम थे वो आपस में एक दूसरे के पास आते हैं और क्या कर लेते हैं, मेटिंग कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है। यस सर। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप बताओ सर। उसके बाद में सर जो वो अपोजिट होते हैं सर दोनों, हाँ वो सर उसके आगे सर क्या बताया था मैंने अभी, मैंने कहा था बहुत, हाँ सर जो दो दो न्यूक्लियस होते हैं सर नहीं आ रहा है। तुम लोग इसमें ध्यान से नहीं सुना तुमने है? चलो म्यूट करो। अर्चना वर्मा, अर्चना वर्मा यस सर बताओ, तुम बताओ का अर्चना वर्मा सर एक बार फिर से, अभी क्लियर नहीं हुआ अच्छे से सर। नहीं क्लियर हुआ, चलो म्यूट करो। कृष्णा कश्यप, कृष्णा ओपो A1 के कौन है भाई, ओपो A1 के पे यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? रुचि मित्रा हैं? रुचि मित्रा, रुचि यस सर। रुचि मिश्रा बताओ भाई, रुचि बताओ कुछ जो मैंने पढ़ाया तुम अभी, कितने स्टेप्स था, इसलिए मैंने पूरा पढ़ाया नहीं तुम्हें कंजुगेशन। यस सर। जो सर जो वो दो उसके बाद मियोसिस होती है, उसके बाद मियोसिस होती है फिर वो चार चार हैप्लॉयड बनाते हैं। किसमें मियोसिस होती है? जो अपोजिट दो पैरामीशियम होते जो एक एक में मिल जाते हैं ओवल साइड से, उसके बाद वो चार चार मियोसिस करके चार चार हैप्लॉयड बनाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनो, और सुना तुमने, देखो मैं दोबारा से एक बार मैं म्यूट कर लो, दोबारा से मैं बता देता हूं आपको चार स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या था कि दो पैरामीशियम अपोजिट स्ट्रेन के पास पास आ गए, ठीक है। दोनों में दो तरीके के न्यूक्लियस थे, एक माइक्रो न्यूक्लियस और एक मेगा न्यूक्लियस, ठीक है भाई। माइक्रो न्यूक्लियस कैसा था, डिप्लॉयड था। इस डिप्लॉयड माइक्रो न्यूक्लियस में क्या हो जाती है, सबसे पहले मियोसिस होती है। जब मियोसिस हो जाती है तो एक माइक्रो न्यूक्लियस से चार हैप्लॉयड माइक्रो न्यूक्लियस बन जाते हैं। चार जो हैप्लॉयड माइक्रो न्यूक्लियस बने उनमें से चार में से तीन क्या हो जाते हैं, डीजनरेट, यानी कि फिर से बचा एक माइक्रो हैप्लॉयड न्यूक्लियस। इस हैप्लॉयड माइक्रो न्यूक्लियस में क्या हो गई, अब माइटोसिस होगी, और जब माइटोसिस होगी तो दो बन जाएंगे क्या, हैप्लॉयड माइक्रो न्यूक्लियस। ये जो दो हैप्लॉयड माइक्रो न्यूक्लियस बने इनमें से एक का साइज छोटा और एक का साइज बड़ा, इसका साइज बड़ा है इसको हम स्टेशनरी न्यूक्लियस बोल रहे हैं, इसका साइज छोटा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, माइग्रेटरी माइग्रेटरी न्यूक्लियस बोल रहे हैं, राइट। तो स्टेशनरी बन गया है और माइग्रेटरी बन चुका है। तो इतने स्टेप्स बताया मैंने, सबसे पहले क्या होते हैं, दो पैरामीशियम अपोजिट स्ट्रेन के होते हैं, दे कम्स टुगेदर, पास पास आते हैं, ओरल ग्रुप से क्या हो जाते हैं, पार्शली फ्यूज हो जाते हैं, बीच में क्या बन जाता है इनके, एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है। ब्रिज बनने के बाद दोनों पैरामीशियम में दो तरीके के न्यूक्लियस होते हैं, बताया था मैंने, एक मेगा न्यूक्लियस और एक माइक्रो। जो माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं दोनों पैरामीशियम के, उन माइक्रो न्यूक्लियस जो कि डिप्लॉयड है
उन डिप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियस में क्या होता है, मियोसिस होती है एंड दे फॉर्म फोर हैप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियाई. आफ्टर दैट थ्री माइक्रो न्यूक्लियाई आर डीजनरेटेड. उनमें से तीन क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं. बस्ती क्या, एक सिंगल हैप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियस बचता है. जो हैप्लॉइड बचा माइक्रो न्यूक्लियस, उसमें माइटोसिस हो गई और दो बन गए क्या, हैप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियस. जो दो हैप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियस बन गए, इनमें से एक का साइज कैसा हो गया, स्मॉल, और एक का साइज बड़ा. एक जो बड़े साइज का है उसे हम स्टेशनरी माइक्रो न्यूक्लियस बोल रहे हैं, और जिसका साइज छोटा है उसको हम माइग्रेटरी न्यूक्लियस बोल रहे हैं. इतनी बात समझ में आ गई सबको कि नहीं आई भाई? यस सर. सर हाँ बताओ, आप किसी को कोई अगर इन स्टेप्स में, हाँ बताओ सर. आप अभी उस टाइम पे बोल रहे थे कि जो माइक्रो न्यूक्लियस है ना वो डिप्लॉइड है. देन सर आप बोले थे कि उसमें माइटोसिस होगा तो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा. हाँ माइटोसिस हो रहा है राइट. देखिए पहले बना क्या, देखिए जो पहले जो पहला डिवीजन है वो मियोसिस हुई डिप्लॉइड में, माइटोसिस होगा ठीक है. नहीं डिप्लॉइड से माइटोसिस, डिप्लॉइड में मियोसिस होगी. डिप्लॉइड से चार माइटोसिस, नो मियोसिस सर. वो तो डॉटर न्यूक्लियाई में होगा ना. क्या चीज सर, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है. फिर सुनो. डोंट कंफ्यूज. सुनो, हमारे पास एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है और एक मेगा होता है राइट. माइक्रो में ये माइक्रो कैसा है, इस समय डिप्लॉइड है. यस सर. इस डिप्लॉइड में क्या हुआ, मियोसिस हुआ ठीक. डिप्लॉइड हाँ, माइक्रो में, माइक्रो में माइक्रो कैसा है, डिप्लॉइड है, अंडर गोज टू मियोसिस. ओके सर. कितने बन गए, फोर हैप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियाई राइट. ओके सर. फोर में से थ्री क्या हो गए, थ्री आर डीजनरेटेड. तीन क्या हो गए, डीजनरेटेड. कितना बचा, डीजनरेट हो गया. सिंगल बचा एक माइक्रो, माइक्रो हैप्लॉइड. माइक्रो हैप्लॉइड में माइटोसिस हुई, कितने बन गए अब, दो. कैसे, हैप्लॉइड राइट. अब इनमें से एक का साइज छोटा, एक का साइज बड़ा. जिसका साइज बड़ा हो गया थोड़ा सा, उसने फीड ज्यादा कर लिया. जिसका साइज बड़ा हो गया उसे हमने क्या बोल दिया, स्टेशनरी न्यूक्लियस. और जो बड़ा था वो क्या हो गया, सॉरी जो छोटा है उसे माइग्रेटरी बोला, और जो बड़ा है उसे क्या बोला हमने, स्टेशनरी ठीक है सर. एक्चुअली आप जब फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन, हाँ सर, आप जब फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किए थे तो उस टाइम आई थिंक आप डॉटर न्यूक्लियाई बोले थे, तो मेरे को वही कंफ्यूजन हुआ कि शायद उसमें पहले माइटोसिस होगा माइक्रो न्यूक्लियाई में. नहीं, पहले मियोसिस देन माइटोसिस राइट. तो अब हमारे पास एक क्या है, साइज में बड़ा स्टेशनरी, साइज में छोटा माइग्रेटरी राइट. अब ये जो माइग्रेटरी बन गए दोनों में, दोनों में स्टेशनरी है, दोनों में माइग्रेटरी है. जो माइग्रेटरी है वो क्या हो जाते हैं, वो जो ब्रिज बनाता है उस ब्रिज से क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाएंगे ठीक है भाई. और एक्सचेंज होने के बाद की जो प्रोसेस होगी वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पे. तो यहां तक सबको क्लियर हो गया भाई, दोबारा से रिवाइज कर लेना. मैं अभी इतना सा जो इतना वीडियो है मैं दोबारा डालूंगा, और इसको आप रिवाइज कर लेंगे एक बार, दोबारा से इस वीडियो को देख लेंगे यूट्यूब पे जाके राइट. तो यहां तक किसी को कोई कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, दोबारा से मैं अभी इसका रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा ग्रुप में. आप लोग दोबारा से जब आप फ्री हो तो दोबारा से पूरे उस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे. अगर क्लियर नहीं हो रहे हैं तो मैं आपको फिर से क्लियर कर दूंगा राइट. तो टूडे आई थिंक मेरे ख्याल से अब मैं इस क्लास को एंड करता हूँ ठीक है भाई. थैंक यू सर. वेलकम 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 वेलकम.